सीधी तरह बता, उस लड़की को फॉलो क्यों कर रहा है? कौन है तेरे पीछे बता? मारे पीछे एक बस और तीन ऑटो रिक्शा। चौक मार रहा है, तेरे पास कोई फोटो है क्या? हाँ, एक फोटो है सर। देखो कौन है ये? मारी घर आई है सर। छी, ये नहीं, और किसी का फोटो है? मैं शरीफ आदमी हूँ सर। सर सर क्या कर रहे हो सर? सर कुदकुदी हो रही सर। सर 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 के सर ये क्या है? सोने की चेन है सर, मेरी है सर। सच बोल रही हूँ सर, चोरी को माल है। आ दो, आप रख लियो, आ दो, मने दे दियो। चल थाने चल, वहां सौदा करते हैं। मैं बेल पे बाहर आ रहा हूँ, मने जाने दो सर। सर मैं पैर पड़ू सर, माल आप ही रख लियो। हाँ रख लियो रख लियो। शक्ल से पढ़े लिखे लगते हो, अकल नहीं है क्या? अकल तो है सर, दिमाग को नहीं। अच्छा इसलिए चोरी करते हो क्या? हाँ सर। नाम क्या है तुम्हारा? घर वाले राजाराम बोलते हैं और पुलिस वाले चैन राजा। तो चैन राजा सर, मारना मत। तुम कॉफी पीते हो या चाय पीते हो? मैं तो पीता हूँ सर, फिलहाल चाय से काम चला लूंगा। थैंक यू बॉस। सर आपके पास मेरा माल सही सलामत है। अच्छा तुम बेल पर हो कह रहे थे ना, तो फिर पकड़े कैसे गए? अब क्या बताऊं सर, उस दिन वैलेंटाइन डे था। मैं अपनी घरवाली को गिफ्ट देने के लिए किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। हमारी एक ही परेशानी है सर, जिस तरह तीर चलाते वक्त अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, उसी तरह मुझे सिर्फ चेन दिखाई देती है, औरत दिखाई नहीं देती। तुम स्टोरी बता रहे हो, सच्चाई नहीं बता रहे हो? सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ सर। शाम का वक्त था, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था। मैं मेरी मोटरसाइकिल पर तैयार बैठा था, एक सोने का हार मेरी तरफ चलकर आ रहा था। हाथ में जोर की खुजली हुई, मैंने क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सीलेटर बढ़ाया, आगे निकल गया। ए जी, जी। अरुणा तुम? अपने घरवाले की जरा भी कदर ना करते हुए मेरी घरवाली ने मुझे अंदर करवा दिया। अब वो कहां पर है? किसी और के साथ है, पर फोटो मेरे पास है। तुम्हारी स्टोरी में ट्विस्ट अच्छा था, चलता हूँ। सर मेरा माल दे दूंगा। कब दोगे सर? जब तुम मेरा काम कर दोगे तब। काम तो बता दो एक बार। करोगे तो बताऊंगा। बताओगे तो करूंगा ना। तुम जिसे फॉलो कर रहे थे उसे फिर से फॉलो करना होगा। उसकी चेन चुरा के आपको देनी है क्या? नो, वो लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, वो पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है। मतलब आपको उस पे शक हो रहा है क्या? यस, फुल शक है। बहुत मजेदार केस है सर, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। बस मुझे मेरा माल दे दीजिए, आपका काम मैं फौरन कर दूंगा। पहले मेरा काम कर देना, फिर मैं तुम्हारा माल दे दूंगा। सर बातें बहुत हो गई, चलो नंबर नोट कर लो। आप होशियारपुर गांव से हो क्या? 9898। ब्यूटीफुल। ये कौन है? कहीं नया विलन तो नहीं है? हेलो सिस्टर, मैं राजू बात कर रहा हूँ, आप घर में नहीं हो क्या? मैं घर पे ही हूँ, क्यों? आपके घर में होते हुए भी प्रेमा बालकनी में ऐसी हरकतें करेंगी, सोचा नहीं था। राजू ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रेमा किसी अजनबी से हंस हंसकर बातें कर रही है, बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रही है। छी छी, ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। राजू वो लड़का कोई जादूगर लग रहा है और मुझे लगता है कि वही ब्लैकमेलर है। राजू जाइए, इन बेशर्मों को तमीज सिखाइए जरा। राजू वो मेरा भाई है। आपका भाई है? सॉरी सिस्टर, वो टेंशन में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, थैंक्स सिस्टर। वैसे वो यहाँ क्यों आया है? एक रिलेटिव के यहाँ शादी है। ओह, वंस अगेन सॉरी सिस्टर। अच्छा तो आपके इस भाई के बच्चे कितने हैं सिस्टर? बच्चे? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आपका भाई है मेरे लिए कसाई है। मामा। हेलो, ये शर्ट प्रेस कर दो। आदमी टिंगू सा है पर तेवर करा रहे हैं। टाइम नहीं है, जरा जल्दी कर दे। सर आपका शक एकदम सही निकला, आपकी लड़की के साथ कार में कोई लड़का था। हाँ सर। हाँ सर, एक बात बताऊं, आपका पत्ता कट हो लिया। सच बोल रहा हूँ सर, अपने मत देखो अब उसके। सर मोटरसाइकिल पे मजनू उसका और पीछा करने। अरे वो मजनू मैं हूँ, आप बैग जल्दी से। ये पकड़। बैठने तो दो। थैंक यू।
जाने के टाइम पे भी चेक करते नहीं हो सर। तुम कितने अच्छे हो। हे प्रेमा, हाउ इज दिस? ठीक है पर इट्स परफेक्टली ऑलराइट फॉर देम। व्हाट डू यू से? ओके फाइन। एक्सक्यूज मी। या हियर। मुझे ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं। एंड यू नो मैं इतना ज्यादा रोमांटिक हूं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? प्रेमा, टेक माय हार्ट। आर यू मैड? जस्ट स्टॉप इट। क्या चाहिए सर? प्रेमा चाहिए सर। नमस्ते। ठीक हो? नमस्ते अंकल, कैसे हैं? कैसे हैं? नमस्ते। राम राम बहन जी। नमस्ते। हार वजनदार है। प्रेमा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अंकल कैसे हैं? वो पीछे ही बैठे हैं। विशाल, तुम रुको, मुझे जाना होगा। अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं थोड़ा अनइजी फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पर ये लोग बुरा मान जाएंगे। खाना खाकर चलें क्या? नहीं, मन नहीं है। माँ नहीं है। okay. बाद में आएगी। हे लीना, शायद कुछ काम। लीना, अच्छा बाद में ये गिफ्ट हमारी तरफ से दुल्हन को दे देना। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ चले। या पुष्पम समर्पयामि, ताम्रपत्र समर्पयामि। अरे मूर्ख, मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र कहाँ गया? यही तो था। यही था तो कहाँ चला गया? मैंने खुद रखा था अपने हाथ से। आवाज दी के मुझे शक है कि खोया हुआ मंगलसूत्र तेरी जेब में। अच्छा अरे ये मंगलसूत्र मेरी जेब में कैसे आ गया? लगता उड़ के आया होगा। अब रहने दो, अपने बाप से होशियार। ए जी, ये तो पीछे पड़ गया। जा जाके शादी करवा।